नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अयोध्या में श्री राम विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या नगरी अपने नाथ के आगमन के लिए सज रही है। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे और अब पहले निमंत्रण पत्र की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कई वीवीआईपी लोग शामिल होंगे। अब इसके लिए लोगों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए एक खास निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है। लाल रंग के इस कार्ड पर भगवा रंग में मैसेज लिखा है, वही राम मंदिर भी बना है। श्री राम की तस्वीर भी इस कार्य में आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस निमंत्रण पत्र में राम मंदिर और श्री राम से जुड़ी हर एक जानकारी दी गई है। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने वाले अतिथियों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भेजे जा रहे निमंत्रण पत्र पर QR कोड भी अंकित किया गया है, ताकि आमंत्रित विशिष्ट जन के वेश में कोई अवांछनीय तत्व कार्यक्रम स्थल एवं राम नगरी में प्रवेश न कर सके। सुरक्षा कर्मी इसे स्कैन कर अतिथि का सत्यापन करेंगे। बुधवार को यहां पहुंचे ADG जोन पीयूष मोडिया ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि QR कोड निमंत्रण पत्र चेक करने की प्रक्रिया से जुड़े एक पक्ष है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के साथ साथ ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि महोत्सव में आने वाला प्रत्येक आमंत्रित अतिथि बिना किसी परेशानी के लिए मंदिर पहुंचे और सुगमता के साथ यहां से प्रस्थान करें।